बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओपन योर मैथ्स बुक। टुडे आवर टॉपिक इज सेम एंड नॉट सेम। सेम नॉट सेम। एट पेज 6। सेम नॉट सेम, एक जैसी, एक जैसी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रैबिट्स। रैबिट्स आर सेम, खरगोश एक जैसे हैं। देन वी हैव बर्ड्स। बर्ड्स आर नॉट सेम, बर्ड्स एक जैसी नहीं हैं। बेटा, क्या आपको रैबिट्स एक जैसे लगे कि दोनों एक जैसे ही हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, दोनों एक जैसे हैं। और ये बर्ड्स, इसका और इसका कलर डिफरेंट है क्या? जी बिल्कुल ठीक, ये दोनों डिफरेंट हैं, यानी नॉट सेम है। टिक द सेम ऑब्जेक्ट, एक जैसी चीज़ों पर टिक का निशान लगाएं। क्रॉस द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट सेम, क्रॉस लगाएं उन चीज़ों पर जो एक जैसी नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 3 ऑब्जेक्ट, पैरेट, स्पैरो एंड अ पैरेट। देखें, ये पैरेट इसके साथ मैच करता है, ये दोनों सेम हैं? जी बिल्कुल ठीक, नहीं है। तो हम स्पैरो के साथ क्रॉस का निशान लगाएंगे। देन वी हैव पैरेट एंड अ पैरेट, क्या ये दोनों मैच करते हैं? जी बिल्कुल ठीक, ये दोनों सेम है, तो फिर किसका निशान लगाएंगे? टिक का। यहाँ पे टिक का निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी टिक का। देन वी हैव अ बस, कार एंड अ कार। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये जो बस है ये इस कार के साथ मैच होती है? जी बिल्कुल ठीक, नहीं होती। ये बस इस कार के साथ मैच होती है? बिल्कुल ठीक, नहीं होती। जो चीज़ नॉट सेम है उसके साथ कौन सा निशान लगाएंगे? क्रॉस का। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस। ये जो कार है इस कार के साथ मैच होती है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इसके साथ मैच होती है। ओह, माई मिस्टेक, ये होती है। तो सेम चीज़ों के साथ कौन सी निशान लगाएंगे? टिक का। और यहाँ पे भी टिक का निशान लगाएंगे। एंड वी हैव डक, हैन एंड अ डक। डियर स्टूडेंट्स, ये डक इस हैन से मैच कर रही है? नो। ये डक इस डक के साथ मैच कर रही है? जी बिल्कुल ठीक, मैच कर रही है, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या, किस चीज़ का निशान लगाएंगे? टिक का। और यहाँ पे डक के साथ टिक का, बिल्कुल ठीक। और हैन जो है वो नॉट सेम है, तो किसका निशान लगाएंगे? क्रॉस का। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बैट, बैट एंड अ बॉल। क्या ये बैट इस बॉल के साथ मैच हो रहा है? ये बैट इस बॉल के साथ मैच हो रहा है? मुझे तो लगता है कि ये और ये मैच हो रहा है। ओहो, माई मिस्टेक, बॉल तो मैच हो ही नहीं रहा, ये बैट और ये बैट तो मैच हो रहा है। तो इनके साथ किस चीज़ का निशान लगाएंगे? टिक का। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? टिक। और यहाँ पे भी टिक का निशान लगाएंगे। और बॉल इन दोनों के साथ मैच नहीं हो रहा, यानी नॉट सेम है, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखना है कि कौन सी चीज़ सेम है और कौन सी नॉट सेम।